बनाते हैं और छोटी घट्टी भी पीसते हैं, दाल पीसने की बनाते हैं, और मसाले का पत्थर सिल बट्टा है वो भी बनाते हैं, खरड़ भी बनाते हैं, और मकान बनाने का खाम भी बनाते हैं, ये सब चीज़ बनाते हैं हम। दिन का कितना कमा लेते हैं? दिन में आ जाए तो कभी नोक जोक की बात है, कभी बिकते कभी नहीं बिकते, तो खरड़ का 200 आ जाते हैं, 150 भी आ जाते हैं, और छोटी घट्टी 300 आ जाते हैं, कभी 400 भी आ जाते हैं, ऐसे छोटी बात होती है। साल हो गए, 30-40 साल हो गए हैं यहाँ पे। क्या क्या बनाते हैं? खरड़ बनाते हैं, घट्टी बनाते हैं, और चिल्ला बनाते हैं, सब चीज बनाते हैं। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? वो आ जाते हैं, कुंडी घरते हैं, 100 भी आ जाते हैं, 150 भी आ जाते हैं। हाथों में हथौड़े और छेनी से पत्थर को आकार देते हैं, मेहनत कसों को देखिए। चिलचिलाती धूप में पत्थर को तराश कर सिल बट्टे में ढालना हुनरमंदों का ही काम है। सरकार भले ही गरीबों के उत्थान के नाम पर कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन उनका जमीन पर लाभ कितने लोगों को मिल पाया है, इसका अंदाजा पत्थर को तराश कर अपनी रोजी रोटी की जुगत में लगे इन कारीगरों को देखकर लगाया जा सकता है। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मेहनत कश सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से कितने वंचित हैं। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP News, अलीराजपुर।